आज हम लोग सीखेंगे कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे वो कार्य करता है, आखिर जब वो पंपिंग करता है तो प्रेशर कैसे बनाता है, यानी उसके एक एक पॉइंटों को हम जीरो लेवल से समझेंगे कि किस प्रकार से वो कार्य करता है, पंपिंग कैसे बनाता है, उसमें जब पिस्टन चलता है तो प्रेशर क्यों बनने लगता है, उसी के बारे में आज हम विस्तार से सीखेंगे। देखिए कंप्रेसर का जो टॉपिक है आज पूरा फाइनल इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कंप्रेसर एक ऐसा मोटर होता है जो कि एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीफ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिस प्रकार से इंसान के शरीर में उसका मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसी प्रकार से कंप्रेसर मोटर जो एसी फ्रिज का सिस्टम होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे मेन भाग होता है, और अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम खराब समझा जाता है। तो कंप्रेसर होता क्या है, सबसे पहले बात करें, देखिए कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है जिसका कार्य एसी फ्रिज में यह होता है कि यह गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड तक पहुंचाता है। एक साइड से खींचता है, दूसरी साइड तक पहुंचाता है, मतलब देखिए खींचता और फेंकता है। जैसे हमारा ट्यूबवेल होता है ना, दमकल वाला, नहर के किनारे ले जाके लगा देते हैं ना, चालू कर देते हैं, तो क्या होता है उसमें वो पानी को एक तरफ से खींचता है और दूसरी तरफ फेंकता है, तो वहां पे वो इंजन होता है वैसे ही चलता है ना, उसी प्रकार से ये भी है। लेकिन ये क्या करता है, ये गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है, तो ये कंप्रेसर मोटर होता है। और कंप्रेसर में बात करें, देखिए कुल मिला के तीन पाइपें लगी होती हैं। कंप्रेसर में तीन पाइपें लगी होती हैं, कुछ कंप्रेसर में दो ही पाइप लगी होती है, कुछ कंप्रेसरों में पांच पाइप भी होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीन होती है। देखिए दो क्या होती है, तीन क्या होती है और पांच क्या होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें, कंप्रेसर में तीन पाइप यहां पर है और तीनों पाइपों में एक पाइप का नाम होता है सक्शन लाइन और एक पाइप का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन और एक पाइप का नाम होता है चार्जिंग लाइन। अब सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन ये कार्य क्या करते हैं, देखिए कंप्रेसर मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जब हम चालू कर देते हैं, जब हम ऑन करते हैं ना, जब ये मोटर चलता है तो ये क्या करता है, ये गैस को सक्शन लाइन से खींचता है। नाम से ही कंफर्म होना, सक्शन लाइन, सक्शन का मतलब क्या करता है, अपनी तरफ वहीं से खींचता है, तो जिस लाइन से गैस को खींचता है उसे सक्शन लाइन बोलते हैं। और जो हमारी दूसरी लाइन है ये चार्जिंग लाइन है। देखिए चार्जिंग लाइन का यूज क्या होता है, चार्जिंग लाइन का प्रयोग तब किया जाता है जब फ्रिज में हम गैस भरते हैं या ऑयल चार्ज करते हैं, तब जाकर के इस चार्जिंग लाइन का यूज करते हैं, नहीं तो बाकी टाइम तक ये चार्जिंग लाइन जो होती है वो बंद होती है। और एक लाइन हमारी डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन का कार्य होता है कि यहां से गैस को ये बाहर फेंकता है, यानी सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंकता है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा दमकल वाला ट्यूबवेल होता है वो जहां से पानी को खींचता है वो सक्शन लाइन है और जहां से फेंकता है वो डिस्चार्ज लाइन है, उसी प्रकार से ये भी है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। देखिए सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक ही होती है। कैसे एक ही होती है, देखिए अगर ये चार्जिंग लाइन को हम खोल देना और कंप्रेसर मोटर को चालू कर देना, तो चार्जिंग लाइन को अगर हम हाथ से दबा लेंगे तो ये सक्शन से हवा खींचेगा और अगर सक्शन को बंद कर लेंगे तो चार्जिंग से हवा खींचेगा। और जब हम नया कंप्रेसर खरीद के लाते हैं तो उसमें सक्शन और चार्जिंग दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, किसी को सक्शन और किसी को चार्जिंग हमें बनाना पड़ता है, दोनों लाइनें जो होती हैं वो एक ही होती हैं, एक सक्शन और एक चार्जिंग। लेकिन जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो फिक्स होता है, वो अलग होता है। देखिए बिना कंप्रेसर को चालू किए हम कैसे पता कर लें कि कौन सा सक्शन कौन सा डिस्चार्ज है, ये भी हम आपको तरीका बताएंगे। वैसे तो बेसिक तरीका यही है, कंप्रेसर को आप चालू करेंगे, जहां से हवा को खींचा वो सक्शन लाइन और जहां से हवा को फेंका वो डिस्चार्ज लाइन। अभी हम आपको आगे इसकी पूरी प्रक्रियाओं को समझाएंगे। तो देखिए सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन हो गया। अब बात करते हैं कंप्रेसर कार्य कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले तो कंप्रेसर के अंदर एक मोटर लगा होता है, जैसे सब में मोटर होते हैं, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन, कोई मोटर होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी मोटर होता है और तीन वायर भी इसमें से निकलती है, तीन पिने जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो तीनों निकलते हैं ना, इसमें से एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है, और जब हम इसमें पावर देते हैं तो ये मोटर हमारा चलता है। अब समझ सकते हैं विद्युत देंगे, ये मोटर है तो मोटर चलेगा ही, और जब मोटर चलता है तो इसका जो शाफ्ट है ना उसको देख पाएंगे, हमने यहां पर बड़े रूप में इसको बनाया होता तो छोटा सा ही है, लेकिन इसका जो शाफ्ट होता है ये देखिए कुछ ऐसे मुड़ा हुआ होता है। इसमें जो शाफ्ट भी प्रयोग किए जाते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक क्रैंक शाफ्ट, एक एसेंट्रिक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट और एसेंट्रिक शाफ्ट, इसका बस डिफरेंस इस बात का है ना कि कुछ कंप्रेसर मोटरों में एक पिस्टन और सिलेंडर लगा होता है, कुछ में दो पिस्टन और दो सिलेंडर लगे होते हैं। अब मतलब समझिए, जिसमें दो पिस्टन और दो सिलेंडर लगे होंगे उसका प्रयोग बड़े आकार के, बड़े साइजों के कंप्रेसरों में किया जाएगा ना, जहां का ठंडा करने का स्थान बड़ा होगा, जैसे सेंट्रल एसी प्लांट एसी, उनका जो कंप्रेसर होगा उसमें। लेकिन ये छोटे और घरेलू उपकरणों में प्रयोग किए जाने वाले जो होते हैं उसमें एक पिस्टन और एक सिलेंडर लगा होता है, क्योंकि उसको नॉर्मल प्रेशर ही बनाना होता है ना। तो इस प्रकार से कंप्रेसर कार्य करता है।
करता है। अब देखिए पिस्टन इसका इस प्रकार से ये जो शाफ्ट है इस प्रकार से, और शाफ्ट पे इसका जो पिस्टन होता है वो लटका होता है। इस प्रकार से देखेंगे कि इसका जो शाफ्ट है उस पर ये पिस्टन लटका हुआ है, और पिस्टन जो है इसके किनारे किनारे ये जो देख पाएंगे इसका जो पिस्टन जिसमें है उसको सिलेंडर बोलते हैं, और मतलब कि जो ऊपर नीचे होता है उसे पिस्टन बोलते हैं और जिसमें होता है उसे सिलेंडर बोलते हैं। पिस्टन और सिलेंडर यही दो महत्वपूर्ण भाग है। देखिए कोई पूछे ना कंप्रेसर में क्या लगा होता है जिससे वो प्रेशर बनाने लगता है, तो हम बोल सकते हैं पिस्टन और सिलेंडर। जो पिस्टन ऊपर नीचे होता है और सिलेंडर में होता है। अब समझिए जैसे देखिए हमारा जो हवा भरने वाला पंप होता है ना साइकिल में हवा भरने वाला, उसमें क्या होता है बीच में वार्सल लगा होता है ना, वो जो वार्सल होता है ऊपर नीचे चलता है तभी तो प्रेशर बनता है। तो जो वार्सल होता है उसमें वही इसमें पिस्टन के नाम से जाना जाता है, और वार्सल के अलावा जो पूरे पंप की जो बॉडी होती है वो बॉडी यहाँ पर हम इसके सिलेंडर के नाम से जानते हैं। तो ये होता है हमारा पिस्टन और सिलेंडर, यानी पिस्टन ऊपर नीचे होता है और सिलेंडर में ऊपर नीचे होता है। तो ये दो भाग हो गए सबसे महत्वपूर्ण। अब देखिए जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है तो इसमें प्रेशर बनता है, तो प्रेशर कैसे बनता है वो समझने के लिए देखिए ये हमने बताया आपको सक्शन और चार्जिंग लाइन जो दोनों एक ही होती है, और दोनों कहीं से भी अगर देखिए यहां से भी हम एक पाइप और काट देना ये भी हमारी सक्शन लाइन की काम करने लगेगी, लेकिन अभी हम यहां पे काटेंगे नहीं और ना ही कटा होता है। तो इसको हमें करना क्या होता है देखिए जब ये पिस्टन इसमें ऐसे ऊपर नीचे चलता है तो प्रेशर कैसे बनाता है वो समझते हैं। प्रेशर देखिए इस प्रकार से बनाता है कि जब ये पिस्टन ऐसे खींचते हुए ऊपर की साइड जाएगा तो ऊपर देखिए यहां से जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में ये जो गैप दिखा रहे हैं ना कि गैप नहीं होता है, ये रगड़ता हुआ जाएगा तभी तो चलेगा ना, जैसे पंप का वार्सल ही है तो वो रगड़ता हुआ चलेगा तभी तो प्रेशर बना पाएगा। तो ये गैप नहीं होता है, इसमें हमें क्या करना होता है एक पत्ती इसमें देख पाएंगे यहां पर लगी होती है ऊपर की साइड में, और इधर से एक पत्ती लगी होती है जो कि होती है नीचे की साइड में। अब इन्हीं पत्तियों का कमाल होता है जिसकी वजह से ये प्रेशर खींचता और फेंकता है। कैसे देखिए जब ये पंप जब ये जो हमारा पिस्टन होता है इसे ऊपर की साइड में खींच के ले जाएगा ना, जब ये पिस्टन ऊपर की साइड में जाएगा तो क्या होगा ये दोनों के दोनों पत्तियां ऊपर जाएंगी, क्योंकि ये पूरा जाम है प्रेशर के साथ खींच के ले जा रहा है। तो दोनों जब पत्तियां ऊपर जाएंगी तो ये वाली पत्ती जब ऊपर जाएगी ना तो ऊपर जाके कुछ इस प्रकार से ऊपर चली जाएगी, लेकिन इधर वाली पत्ती जब ऊपर जाएगी तो कहीं नहीं जाएगी, इसमें टच हो जाएगी और इसके ऊपर ये पॉइंटर बना होगा उसको वहीं पे रोक लेगा। इससे क्या होगा कि जब ये पिस्टन ऊपर की साइड में खींचेगा ना तो इधर से हवा को ये क्या करेगा खींच लेगा, और हवा को खींचेगा कहां से पूरे कंप्रेसर की बॉडी में, कहीं भी लीकेज होगी वहीं से खींचेगा, लेकिन कहीं पर लीकेज नहीं होता है। इसके अंदर दो पाइपें खोली गई होती हैं जिसमें एक सक्शन और एक चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। तो यही सक्शन और चार्जिंग से ये गैस को खींचेगा, तो यहीं से जहां से भी मतलब पाएगा वहीं से खींचेगा। तो ये क्या करता है यहीं से ऐसे पिस्टन ऊपर जाता है और हवा को वो क्या करता है इसी लाइन से अपने यहीं से खींच लेता है, और जब यहां से हवा को खींच लेता है ना तो फिर ये जब ऊपर से नीचे की साइड दबाता है तो क्या होता है ये जो दोनों पत्तियां थी वो दोनों नीचे की साइड दबेंगी ना, और जब दोनों नीचे की साइड दबती तो इधर वाली जो पत्ती अभी तक ऊपर उठी थी वो क्या होगी वो आकर के इस पे बैठ जाएगी, और इस पे बैठने का मतलब आगे का पॉइंट ये रोक लेगा इसको उसके नीचे जाने नहीं देगा, लेकिन इधर वाला जो पॉइंट है वो पूरी तरह से ऐसे ओपन हो जाएगा और वही प्रेशर जो उधर से भरा हुआ था वो इधर से निकलेगा और इधर से रास्ता पकड़ करके क्या होता है यहां से डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर चला जाता है। और ये वाली जो पाइप होती है ना वो पूरा होती है, लेकिन इधर वाली पाइप ये पूरा वातावरण ही होता है ना कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए यहां से हवा को खींच रहा है तो यहां हवा आएगी कहां से आएगी यही दोनों रास्ता में से आएगी ना, इसके अलावा और तो कहीं जगह बचा नहीं कि वहां से भी खींच सकता है, तो इन्हीं दोनों रास्तों से खींचता है। इसी प्रकार से जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये दोनों पत्तियां ऊपर जाती हैं तो रास्ता खुल जाता है और इधर वाला रास्ता बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो सक्शन लाइन से हवा को खींच लेता है, और जब उधर से नीचे दबाता है दोनों पत्तियां नीचे दबती हैं तो इधर वाला रास्ता सक्शन का बंद हो जाता है और डिस्चार्ज लाइन का खुल जाता है, जिसकी वजह से वह प्रेशर जो यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से कंप्रेसर मोटर हमारा प्रेशर बनाता है, सक्शन लाइन से हवा को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। अब बात रही कि कंप्रेसर में हम सक्शन लाइन डिस्चार्ज लाइन को कैसे पहचाने, तो देखिए पहला तो तरीका यही है कि आप इसको चालू करिए जहां से हवा को फेंकेगा वो डिस्चार्ज लाइन है, और अगर कम लाइट नहीं है और हम नहीं चलाना चाहते हैं तो देख करके भी आप समझ सकते हैं। देख के कैसे समझ सकते हैं कि जो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन का व्यास होता है वो लगभग एक समान होता है, लेकिन जो डिस्चार्ज लाइन का व्यास होता है उन दोनों की अपेक्षा कम होता है। व्यास का मतलब पाइप की मोटाई, तो जो सक्शन लाइन की पाइप होती है और चार्जिंग लाइन की पाइप होती है ये दोनों पाइपें थोड़ी सी मोटी होती हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज लाइन की पाइप होती है वो उन दोनों की अपेक्षा
अपेक्षा पतली होती है, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह भी है कि आप अगर यहां से देखिए सक्शन लाइन से मुंह लगा करके फूंकते हैं ना, नया कंप्रेसर मान लीजिए लेके आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा कौन सक्शन डिस्चार्ज चार्जिंग है, तो यहां से अगर सक्शन लाइन से फूंकेंगे ना तो वो क्या होगा, चार्जिंग लाइन से हवा निकल जाएगी, क्योंकि देखिए ये पूरा वातावरण एक ही है ना, यहां से हवा आएगी तो जाहिर सी बात है और कहीं जाने की जगह नहीं तो यहां से बाहर निकलेगी, या फिर अगर आप यहां से फूकेंगे तो यहां से बाहर निकलेगी, लेकिन वो हवा यहां से आकर के इसमें से आकर के क्रॉस करके यहां से निकले ऐसा नहीं है। तो देखिए सक्शन से फूकेंगे तो चार्जिंग से निकलेगी, चार्जिंग से फूकेंगे तो सक्शन से निकलेगी, लेकिन डिस्चार्ज से अगर फूकेंगे तो किसी से हवा बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर ये कंप्रेसर का जो पिस्टन है वो रुका होगा तो हवा भी इसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगी और इससे हमें ये पता चलेगा कि हां ये डिस्चार्ज लाइन है, यानी कि डिस्चार्ज लाइन से हवा नहीं निकलेगी जिस समय कंप्रेसर बंद होगा, तो चाहे वो सक्शन से फूक रहे हो चाहे वो चार्जिंग से फूक रहे हो। इस प्रकार से हमारा कंप्रेसर मोटर कार्य करता है, सबसे महत्वपूर्ण मोटर होता है। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव अगर कंप्रेसर से संबंधित है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत